नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं ACC न्यूज़ टुडे। हिमालय क्षेत्र के मसूरी में बड़ा भूकंप आया तो 154 करोड़ और नैनीताल में 147 करोड़ का नुकसान होगा। वहीं मैदानी क्षेत्र में ये नुकसान मसूरी की तुलना में 200 करोड़ और नैनीताल की तुलना में 100 करोड़ कम होगा। ये आकलन रुड़की समेत 3 IIT के भूकंप वैज्ञानिकों ने एक शोध में किया है। शोध के अंतर्गत तैयार किए गए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के जरिए हिमालय क्षेत्र के किसी भी शहर और क्षेत्र में भूकंप से होने वाले नुकसान का आकलन किया जा सकेगा। वहीं IIT रुड़की ने आने वाले 50 वर्षों बड़े और उपेक्षाकृत कम तीव्रता के भूकंप में हिमालय क्षेत्र में होने वाले भवनों के नुकसान का आकलन किया है। वहीं MHRD भारत सरकार द्वारा इम्प्रिंट 2 स्कीम के तहत जनवरी 2019 में नेक्स्ट जनरेशन अर्थ। नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं ACC न्यूज़ टुडे। हिमालय क्षेत्र के मसूरी में बड़ा भूकंप आया तो 154 करोड़ और नैनीताल में 147 करोड़ का नुकसान होगा। वहीं मैदानी क्षेत्र में ये नुकसान मसूरी की तुलना में 200 करोड़ और नैनीताल की तुलना में 100 करोड़ कम होगा। ये आकलन रुड़की समेत 3 IIT के भूकंप वैज्ञानिकों ने एक शोध में किया है। शोध के अंतर्गत तैयार किए गए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के जरिए हिमालय क्षेत्र के किसी भी शहर और क्षेत्र में भूकंप से होने वाले नुकसान का आकलन किया जा सकेगा। वहीं IIT रुड़की ने आने वाले 50 वर्षों बड़े और उपेक्षाकृत कम तीव्रता के भूकंप में हिमालय क्षेत्र में होने वाले भवनों के नुकसान का आकलन किया है। वहीं MHRD भारत सरकार द्वारा इम्प्रिंट 2 स्कीम के तहत जनवरी 2019 में नेक्स्ट जनरेशन अर्थक्वेक लॉस एस्टिमेशन टूल फॉर हिली रीजन नामक प्रोजेक्ट IIT रुड़की, IIT रोपर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर और नोएडा की रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन को दिया गया था। वहीं जनवरी 2023 में ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ। इसमें पाया गया कि मसूरी में बड़ा भूकंप आने पर भवनों को होने वाला नुकसान करीब 154 करोड़ होगा, जबकि कम तीव्रता के भूकंप में नुकसान 229.97 करोड़ होगा। अध्ययन में मैदानी और पहाड़ी इलाकों में होने वाले नुकसान के अंतर का भी आकलन किया गया है। वहीं इसके अनुसार मसूरी की पहाड़ी क्षेत्र के सापेक्ष मैदानी क्षेत्र में नुकसान बड़े भूकंप में 854 करोड़ और कम तीव्रता के भूकंप में नुकसान 159 करोड़ होगा। इसी तरह नैनीताल में बड़े भूकंप में नुकसान 1447 करोड़ और कम तीव्रता के भूकंप में 271 करोड़ का नुकसान होगा। वहीं IIT के वैज्ञानिक योगेंद्र सिंह ने बताया कि शोध में मसूरी और नैनीताल के भवनों पर अध्ययन किया गया है। विकसित की गई तकनीक से हिमालय के किसी भी शहर में भूकंप से होने वाले नुकसान का आसानी से आकलन किया जा सकता है। वहीं शोध के तहत मसूरी के 5101 और नैनीताल के 7793 भवनों का सर्वे किया गया है। वहीं मसूरी की अपेक्षा नैनीताल में मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में भूकंप के नुकसान में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। इसका कारण नैनीताल का वैली में बसा होना बताया गया है। शोध के तहत विकसित किए गए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल को नाम दिया गया है। इसमें IIT के शोधकर्ता कवन मोड़ा ने पहाड़ी क्षेत्र के टोपोग्राफी का आकलन कर कॉम्प्लिकेशन टूल्स विकसित किया गया है। वहीं सॉफ्टवेयर में सर्वे के आधार पर भवनों की लागत, प्रत्येक भवन का क्षेत्रफल आदि की जानकारी दी जाती है। इसके बाद ये सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रकार के डायग्राम में जानकारी देता है।